हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन, मानव रक्त परिसंचरण। मानव रक्त परिसंचरण देखो, ब्लड जो है वो अपने शरीर में परिसंचरण का कार्य करता है। ब्लड क्या है? रक्त। ये सभी सजीवों में ऑक्सीजन एवं अन्य भोज्य पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है। इसलिए ब्लड एक महत्वपूर्ण ऊतकों में आता है। रुधिर जो है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड जो है यह सभी सजीवों में पाए जाने वाला तरल संयोजी ऊतक है। इसके द्वारा ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थ जो कि अपने शरीर में भोजन के पाचन के बाद क्षुधांत्र में से जो भोजन का पोषक तत्वों का अवशोषण होता है उसको ब्लड में मिला दिया जाता है, और वहाँ से ब्लड में मिलने के बाद ब्लड का सर्कुलेशन किया जाता है, परिसंचरण किया जाता है, जिसके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर के द्वारा किया जाता है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो अंगों को, तरल संयोजी ऊतक का मतलब है एक ये अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। तो रुधिर सामान्यतः एक क्षारीय प्रकृति का होता है, हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान एक अम्लता और क्षारकता को मापने का एक पैमाना है, और उस पैमाने के आधार पर अपन इसकी अम्लता क्षारकता को मापा जाता है। तो रुधिर एक क्षारीय प्रकृति का तरल पदार्थ है जिसकी क्षारीय प्रकृति होती है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर जो है ये लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है क्योंकि रुधिर में एक प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। कौन सी? हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। कौन से प्रोटीन के कारण? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और इस प्रोटीन के कारण ही रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है। वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति में जो रुधिर की मात्रा है, रुधिर की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर के बीच होती है। कि एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है, स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, उसमें जो ब्लड की जो लगभग कैपेसिटी होती है, मात्रा होती है किशोर अवस्था के बाद, जो लगभग 5 से 6 लीटर के मध्य होती है। और ये रुधिर हार्ट में, हृदय में एक स्टोरेज के रूप में एकत्रित होता है, और वहाँ से
हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा ब्लड सर्कुलेट किया जाता है। और हृदय की संरचना अपने अगले पॉइंट में आएगा, अपन इस पॉइंट में आगे हृदय की संरचना बताएंगे। बाकी अभी अपन थोड़ा सा रुधिर के बारे में देख लेते हैं। तो रुधिर लगभग 5 से 6 लीटर के बीच स्वस्थ व्यक्ति में होता है, और इस में हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। इसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है और क्षारीय प्रकृति का हल्का होता है। अब रुधिर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, और रुधिर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्लाज्मा, और नंबर 2 कणिकाएं। या रुधिर कोशिकाएं, प्लाज्मा। देखो, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं से मिलके रुधिर का निर्माण होता है। प्लाज्मा रुधिर का एक तरल भाग होता है, क्षणित भाग होता है। जो प्लाज्मा जो है ये रक्त का लगभग 55% भाग होता है। कितना? 55% भाग। ये एक इसमें इसका जो निर्माण है कुल रक्त का, तो ये लगभग 55% भाग होता है। और जो प्लाज्मा में लगभग 92% भाग जल एवं अन्य भाग कार्बनिक एवं अकार्बनिक साल्ट होते हैं, लवण। तो इस प्रकार से प्लाज्मा में यह कुल रक्त का तो लगभग 55% भाग होता है, परंतु जब प्लाज्मा का अपन संगठन देखें तो प्लाज्मा के संगठन में 92% तो लगभग जल होता है, और अन्य जो 8% भाग हैं वो कार्बनिक एवं अकार्बनिक लवण इसमें उपस्थित होते हैं। अब दूसरा भाग है रुधिर कोशिकाएं। तो मानो रक्त में रुधिर कोशिकाएं जो हैं ब्लड सेल्स मानव में ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं, नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा जो भाग है वो है बिंबाणु। जिनको प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये होती हैं RBC, WBC, फुल फॉर्म है इनकी RBC, रेड ब्लड सेल्स।
व्हाइट ब्लड सेल्स है। लाल रक्त कणिकाएं जिनको आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म इनकी जो है वो है रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स, कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं इनको। तो इस प्रकार से ये मानव में तीन प्रकार की रुधिर कोशिकाएं, तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। अब अपन एक एक प्रकार की रुधिर कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। लाल रक्त कणिकाएं, इनकी रुधिर में अत्यधिक संख्या पाई जाती है, जो लगभग कुल रक्त कोशिकाओं का नंबर एक। लाल रक्त कणिकाएं, ये कुल जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, कुल रक्त कोशिकाओं का लगभग 99% भाग बनाती हैं। कितना? 99%। कुल रक्त कोशिकाओं का जो आरबीसी है वो 99% होती हैं। अब इन लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? हीमोग्लोबिन। प्रोटीन होती है, इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही इनका रंग लाल दिखाई देता है। रुधिर का निर्माण मानव शरीर में अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रुधिर का रंग जो लाल दिखाई देता है, यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ऑक्सीजन से संयोजन करने की अत्यधिक क्षमता होती है। तो यह ऑक्सीजन के साथ संयोग करके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। किसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ ऑक्सीजन संयोजित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक और अंगों तक इसका परिसंचरण किया जाता है। तो यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के परिवहन में मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। और यह इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही इसको ये रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है। अपने शरीर में आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। कैसी? केंद्रक विहीन कोशिकाएं। इसमें एक मोस्ट प्रश्न बनता है कि मानव शरीर की वे कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो केंद्रक विहीन होती हैं। बाकी शरीर की सभी प्रत्येक कोशिका में केंद्रक प्रेजेंट होता है। रुधिर की आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं, रुधिर की जो लाल रक्त कोशिकाएं कणिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और इसी प्रकार से एक और एक प्रश्न है, यदि पादप शरीर पादप भाग की पूछी जाए तो पादप भाग में चालनी नलिकाएं होती हैं। चालनी नलिकाएं, उन चालनी नलिकाओं में फ्लोएम की संरचना में आती हैं। उन फ्लोएम चालनी नलिकाओं में भी केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये मोस्ट प्रश्न है, एक नंबर का अच्छा छोटा प्रश्न अनुमें कि मानव शरीर की वो कौन सी कोशिका है जो केंद्रक विहीन होती है, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो वह है
आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यह अपने शरीर की एकमात्र कोशिका है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनका जो जीवन काल है वो लगभग 120 दिन का होता है। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। हर 120 दिन के बाद प्रत्येक ये नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है और पुरानी जो कोशिकाएं वो डेथ होती जाती हैं और शरीर से बाहर उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दी जाती हैं। तो इनका जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। अब दूसरी जो कोशिका है वो कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। दूसरी कोशिका है डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखो व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं, इन श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन एब्सेंट होती है और हीमोग्लोबिन प्रोटीन अनुपस्थित होने के कारण ही ये सफेद रंग की दिखाई देती हैं। इन सफेद रंग के होने के कारण ही इन्हें श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं अपने शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। किसका? प्रतिरक्षा तंत्र। एंटीबॉडी सिस्टम ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता। मनुष्य में ये सैनिक कणिकाएं के नाम से भी जानी जाती हैं। किसके? सैनिक, सैनिक कोशिकाएं, सैनिक कणिकाएं। कि जिस प्रकार से सैनिक अपने देश की सुरक्षा करता है तो उसी प्रकार से ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये अपने शरीर में रोगाणुओं से सुरक्षा करने का कार्य करती हैं, क्योंकि अपने शरीर में एंटीबायोटिक जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं के कारण ही होती है। ये फेगोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं। अब इनमें कई डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को फिर तीन भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से दो भागों में होते हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु। ग्रैनुलस कणिकाणु और अकणी, मुख्य रूप से तो इनको दो भागों में बांटा, कणिकाणु और अकणिकाणु। अब ये फेगोसाइट्स जो इनको फिर कई भागों में, फेगोसाइट्स कोशिकाएं ये रोगाणुओं का भक्षण करने का कार्य करती हैं जो अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण जैसे किसी माध्यम से अपने शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है, भोजन के माध्यम से, श्वसन के द्वारा या किसी भी माध्यम से, जैसे ही जो ब्लड में यदि वो बैक्टीरिया या वायरस किसी भी माध्यम से यदि अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उन रोगाणुओं का भक्षण करके और ये नष्ट कर देती हैं, जिससे अपना शरीर में वो रोगाणु आगे सक्रिय नहीं हो पाते और रोगों से सुरक्षा का कार्य करती हैं। इसलिए श्वेत रक्त कणिकाओं को
सैनिक कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है कि ये अपने शरीर में रोगाणुओं से लड़के और मनुष्य को स्वस्थ रखने का कार्य करती हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। कई बार जब अपने शरीर में किसी कारणवश जब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तो अन्य रोगाणु उस पर अटैक करना प्रारंभ कर देते हैं और वो रोगों का प्रभाव जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो रोग विशेष जो रोग के जीवाणु प्रवेश किए हैं उसी प्रकार का रोग अपने शरीर में प्रकट होने लग जाता है। तो ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। तीसरी हैं, इनका जीवन काल लगभग चार पांच दिन से कुछ दिनों तक का होता है कि ये लगभग चार पांच दिन के बाद रह तो जाती है, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो इस प्रकार से ये चार पांच दिन के बाद नई कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं और तीसरी जो कोशिका है बिंबाणु। प्लेटलेट्स ये अपने शरीर में लगभग 3,00,000 प्रति घन एमएम होती हैं मिलीमीटर। एक एमएल खून में लगभग 3,00,000 बिंबाणु प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स का मुख्य जो कार्य है अपने शरीर में वो रक्त का थक्का जमाना है। कई बार जब अपने शरीर में शरीर चोटग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो रुधिर नलिकाएं जो